गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक एग्जांपल लेती हूँ, 1521। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। तो मैंने जब पेयरिंग बनाई तो हमेशा पेयरिंग जो है वो रिवर्स चलती है, मतलब पीछे से चलती है। तो आपको दो दो टर्म्स लेनी होती है, इसकी पेयरिंग बनी और इसकी पेयरिंग बनी। ठीक है, अब हम लोगों का पहला स्टेप ये होता है कि मेरे को डबलेट नंबर लेने होते हैं, मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर वन आता है, टू को टू से करूँगी तो फोर आता है, थ्री को थ्री से नाइन, फोर को फोर से सिक्सटीन। जब फोर को फोर से करा तो आंसर सिक्सटीन आया और वो फिफ्टीन से बड़ा था, तो छोटा कौन सा है, डबलेट लेना है, थ्री थ्री सा नाइन। तो यहाँ भी थ्री आ गया और यहाँ भी थ्री आ गया, तो यहाँ कितना आ गया, नाइन आ गया। क्लियर, अब फिफ्टीन में से नाइन गए तो माइनस करना है सिक्स, और जब ये टर्म नीचे उतारनी है तो डबलेट ही आएगी, तो ट्वेंटी वन नीचे एज इट इज़ उतर जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपके पास यहाँ टर्म है इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, थ्री टू सा सिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाए। अब ऐसा नंबर हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्टनेस में चला जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक करा कि मेरे को यहाँ वन चाहिए, तो सिक्स को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तो 61 आंसर आ गया, दैट मीन्स ये तो आंसर जाएगा नहीं। और सिक्स के टेबल पे सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो उसका वंस प्लेस है वो वन आ जाए, अगर नाइन से करके देखते हैं, बिकॉज नाइन नाइन ज़ा नाइन नाइन ज़ा 81 होता है। ठीक है, और सिक्स नाइन ज़ा 54, 54 और 8 62, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये नाइन पे इधर और ये नाइन पे इधर, तो आंसर कितना आ गया 621। जब माइनस करा तो रिमाइंडर आ गया ज़ीरो, तो इसका स्क्वायर रूट कितना था, 1521 का, विच इज़ 39। क्लियर है।